हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी व्लॉग। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी में पेट कब से निकलना शुरू होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी में पेट कब से और किस मंथ से निकलना चालू होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से ये निकलता है और ये किस मंथ में कितना बड़ा होता है, यही आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। बेबी व्लॉग चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सामने दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू। तो फ्रेंड, गर्भ अवस्था के स्टार्ट से लेकर अंत तक गर्भवती महिलाओं को इन 40 वीक्स में बहुत सारे बॉडी चेंजेस होते हैं और बहुत से अलग अलग अनुभव होते हैं। हर महिला को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग अनुभव होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अनुभव कि सामने वाली किसी बड़े बुजुर्ग को हुआ है वही आपको हो। इस टाइम पर सबको अपने अपने अलग अलग बॉडी चेंजेस होते हैं, बॉडी सिम्टम्स होते हैं, वो सबको फेस करने पड़ते हैं इन 40 वीक्स में। ये पूरा टाइम 40 हफ्तों का होता है। गर्भावस्था एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये टाइम जितनी प्रॉब्लम्स से भरा भी होता है उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है ये जानने की कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनका पेट कब निकलेगा और उनके अंदर क्या क्या चेंजमेंट आएंगे और कैसे कैसे आगे के महीने कटेंगे। ये सारी बातें जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हर एक फीमेल, और हर किसी को प्रेगनेंसी में होने वाले बदलाव अलग अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सामने वाला बता रहा है या जो उसने फेस किया है वही आपके साथ भी हो, आपके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में पेट कब और किस महीने से निकलना शुरू होता है। तो फ्रेंड, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है बॉडी का वेट भी बढ़ता जाता है। इस टाइम चक्कर आना, उल्टी होना, गैस बनना, सीने में जलन होना, ये सारी क्रियाएँ एकदम सामान्य होती हैं। ये लगभग सभी फीमेल्स को फेस करना पड़ता है अपने प्रेगनेंसी के पीरियड्स में, अपने 40 वीक्स में पूरा सभी फीमेल्स इसको फेस करती हैं। तो प्रेगनेंसी में जब तक एक माँ का पेट नहीं निकलता है तब तक बाहर के लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ये चीज़ जब तक पेट नहीं निकलता सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हो कि आप कितने मंथ प्रेग्नेंट हो। लेकिन जब आपका पेट निकलने लगता है तो ये चीज़ें लोगों को, बाहरी लोगों को भी समझ में आने लगती हैं कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन फ्रेंड, यूं तो बॉडी में बहुत ही जल्दी चेंजेस चालू हो जाते हैं, दूसरे ही मंथ से पेट निकलना चालू हो जाता है, पर ये सिर्फ आपको पता चलेगा जब आप अपने पेट को हाथ लगा के देखेंगी, तब उसके ऊपर हाथ रख के देखेंगी, महसूस करेंगी, तब ये चीज़ें सिर्फ आपको पता चलेंगी। और तीसरे महीने में ये कपड़े के ऊपर से भी हल्का सा दिखाई देने लगता है, पर दूसरे को भी इसका अंदाज़ा तब तक नहीं लगेगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगा जिनको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो और जो आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि हाँ आपका पेट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, उन्हीं को ये अंदाज़ा लगेगा तीसरे महीने से कि आपका पेट कितना निकला है। नहीं तो आपके अलावा ये तीसरे महीने तक कोई नहीं जान सकता कि आप प्रेगनेंसी का पेट ये निकल रहा है। एंड प्रेगनेंसी के दौरान चौथे महीने से हल्का पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस महीने बेबी के बॉडी का विकास होने लगता है तेज़ी से और बेबी के बॉडी के पार्ट्स बहुत तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे थोड़ा पेट निकलना और दिखना स्टार्ट हो जाता है। पाँचवें और छठे महीने से पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है और अब आपको आपके पुराने कपड़े भी सही नहीं होंगे, वो भी आपको टाइट हो जाएंगे। कमर के साइज़ के साथ साथ पेट का साइज़ भी आपका बढ़ जाएगा। इस टाइम आपके अंडरगारमेंट्स से लेकर के सभी कपड़े आपको टाइट होने लगेंगे। सातवें महीने में थोड़ा नॉर्मल होता है आपका बॉडी, पेट का आकार भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, आप तब चल भी आराम से पाती हैं। लेकिन जैसे ही आठवें और नवें महीने में आप आती हैं आपके पेट का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, अब आपको और ढीले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। इस समय आपकी चाल भी में भी चेंज आ जाता है, आप पैर फैला के चलने लगते हैं। आप नवें महीने तक आपका पेट का आकार बड़ा होता रहता है, पर कई महिलाएं ऐसी भी पाई जाती हैं जिनका पेट शुरुआत में बिल्कुल नहीं निकलता, जैसे 6 से 7 महीने तक उनका पेट पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि उनका पेट निकलता नहीं है, पर उनकी बॉडी की बनावट की वजह से उनका पेट ज़्यादा पता नहीं चलता है कि कितना निकला है। तो कुछ कुछ महिलाओं में ये भी पाया गया है कि उनका पेट 6 से 7 मंथ के बीच में ज़्यादा नहीं दिखाई देता है।
और अब आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेट किस मंथ से और कितना निकलना चालू होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट ज़रूर करेगा और शेयर भी करेगा, ताकि किसी को जानकारी चाहिए हो तो उसे मिल पाए। और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।